हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर उनसे बात कर रहे हैं वो बड़ा मामला है, सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, उनका उनका जो रोल सामने आया है जिसमें अडानी को क्लीन चिट देने का उन्होंने काम किया। अब से पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसको उस वक्त की मजबूत मोदी सरकार ने दबा दिया था। आखिर क्या कुछ मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चीन ने भारत समेत अपने पड़ोसी मुल्कों में 170 गांव बसा दिए। बहुत ही गैर मामूली किस्म की रिपोर्ट है। और भारत में भी कई गांव बसाए हैं और अपने लोगों को ला करके वहां की फौज बसा रही है। हमारे यहाँ मोदी जी कह रहे हैं ना हमारे यहाँ कोई आया है ना कोई घुसपैठ हुई है, सब कुछ खैरियत है। यानी पूरे देश को सुलाते रहने का काम मोदी जी ने किया है। अब कुछ हकीकतें सामने आ रही हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार के टारगेट पर एक बड़ी तादाद में मंदिर आ गए हैं, यानी मंदिरों को तोड़ने का काम अब बीजेपी की सरकार करने का इशारा दे रही है। आखिर कहां गया हिंदुत्व और कहां गया वो सब कुछ जो मर्यादाओं का वो जिक्र करते थे, जिस तरह से अयोध्या में जाकर के मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था वो, और उसके बाद वहां वो हार चुके। क्या उसका जवाब गुजरात में देने जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। आरएसएस और बीजेपी की सोच किस तरफ कैसे बनती है, कैसे उसको रुख मिलता है, वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंबानी ग्रुप ने बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है और एक गुजरात के बीजेपी के चहीते 27,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए हैं। हमारी आपकी मेहनत की कमाई जो बैंकों में हम लोग जमा करते हैं बैंकों पर भरोसा करके, वहां से कुछ लोग ले करके उड़ जाते हैं। उससे पहले भी बहुत बड़ी रकमें भारत से जा चुकी हैं। ये वही सरकार है जो कालाधन विदेशों से लाने की बात करने पर हुकूमत में आई थी। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, ये हिंडनबर्ग वाला मामला फिर से गर्म हुआ और उसकी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग की जा रही है संसद में, क्या कुछ है ये मामला, किस तरह से आप देख रहे हैं? सर, ये मामला ऐसा है कि सैया भाई कोतवाल अब डर खाएगा। आज भी वही लोग करेंगे चोरी में शामिल जो है, उसका चोरी भी वही करेंगे जो अधिकारी बन बैठा है, और चोरी भी वही करवाएंगे जो सत्ताधीश बन बैठे। तो होगा क्या? यही होगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे, वो उसका माधवी बुच का स्टेटमेंट आया कि हमने तो अपने पेमेंट से ये सब किया है और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब उसका पेमेंट कितना, उसकी बीवी का, उसका और उसके हस्बैंड का पेमेंट कितना है, और इतने पेमेंट में इतने सारे शेयर आ सकते हैं क्या, किस तरीके से इतने सारे पेमेंट आएंगे, ये सब सोचने वाली बात है। कैसे सोचे? तो देखो, ये जो बोल रही है कि हमने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया, इनका पेमेंट कितना है सर? इनका दोनों का पेमेंट कितना है? ये पेमेंट अगर आप कह रहे हैं शेयर कितना है, शेयर कितना है, ये कहने की बात नहीं, पेमेंट है सर, नौकर है ये, सेबी के नौकर है। अच्छा, तो रेगुलेशन अथॉरिटी है उसकी, ये नौकर है, चेयरपर्सन है। जी जी जी, शेयर नहीं। आपको पता होगा कि एक चाइनीज था और एक ये था, मुस्लिम था। ये दोनों लोगों ने पिछले वक्त जब ये किया था, इसका अडानी का जब रिपोर्ट आया था, पिछले वक्त का रिपोर्ट आपको याद होगा। तो पिछले वक्त का रिपोर्ट क्या कहता था कि अडानी ने कितने पैसे बाउंस कर लिए है अपने इसमें। देखो मैं बताता हूँ, फिगर ही बताता हूँ आपको अभी। तो इसका बता देता हूँ कि फुल नेम इनका है धवल बुच और माधवी बुच, पूरी बुच, ठीक है। इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा। डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, नेशनलिटी इंडियन,
रेसिडेंशियल एड्रेस भी इनका है मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, और इन्होंने सोर्स ऑफ फंड बताया सैलरी, दोनों सर्विस करते हैं, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये क्लीन चिट नहीं देंगे अडानी तो क्या करेंगे? जैसा आपने, आपको पता होगा कि केजरीवाल ने बोला था विधानसभा में कि अडानी वडानी ये बाकी के ऐसे ही है, चेहरे है, पैसा तो मोदी का ही है। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मोदी जी, मोदी की जी के नौकरशाह, मोदी जी के जो पार्टनर है सारे सारे, उनका पैसा है अडानी ग्रुप में, इसलिए इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। यूनिलीवर में काम करते हैं धवल बुच और ये सेबी की डायरेक्टर है, इसकी बीवी, दोनों के पेमेंट ना है, और दोनों के पेमेंट में, क्योंकि वो पर्सनल जानकारी है पेमेंट वाली, तो हम वो जानकारी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनको खुद को करना चाहिए वो जानकारी डिस्क्लोज। मगर एक बात आपको बता देता हूँ कि ये पेमेंट वाला इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, 10 मिलियन डॉलर USD, ये कम नहीं होता है सर, पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस तरीके से इन्वेस्ट किया पैसा तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है। और ये क्या हुआ है, यानी 10 मिलियन, 10 मिलियन को मैं सीधे अल्फाज में बता दूं कि 1 करोड़ डॉलर, और इस वक्त तकरीबन 85 रुपए का आसपास का, 80 और 85 के बीच में डॉलर चल रहा है, यानी ये हो गया 85 या 80 करोड़ रुपया। ये इतना सैलरी से पैसा कहां से आ सकता है, ये अब आपका सवाल है। जी, दूसरा आप देख लीजिए कि पिछले वक्त जो हुआ था उसमें जो शेयर बाउंस हुए थे, मैंने बताया ना बाहर से पैसा आया था, विनोद अडानी के माध्यम से वो पैसा मैनेज हुआ था, चाइना का और मुस्लिम कंट्रियों का पैसा था, और उससे इनके शेयर एक साल में शेयर बाउंस हुआ था 101% इसका, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर, और 3 सालों में इसका स्टॉक बढ़ गया था, स्टॉक ने गेन किया था 1398%। समझे, ये जो रैगिंग चल रही है ना, रैगिंग, और रैगिंग नहीं होना चाहिए इसलिए सेबी होती है। तो सेबी भी अपना पैसा रैग करा रही, सेबी की चेयरमैन अपना पैसा रैग करा रही है और एक दूसरे को क्लीन चिट दे रही है। यानी जिसको जिसकी जिम्मेदारी करप्शन रोकने की थी वो खुद करप्शन में शामिल हो गए, पार्टनर। जी, पार्टनर करप्शन में शामिल होना, अंधेरे में पैसा लेना अलग बात है। हाँ, जो हमारे तड़ीपार शाह जी बोलते थे ना इंस्टीट्यूशनल करप्शन, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल करप्शन। बोला था कि कांग्रेस इंस्टीट्यूशनल करप्शन करती है, उनको तो कितना समझा इंस्टीट्यूशनल करप्शन मालूम नहीं, इनको तो पूरा समझ में आ गया कि जांच कौन करेगा, किसको देखेगा। इन्होंने देखो अडानी ट्रांसमिशन में 36% पहले साल में गेन किया था, पहले वक्त में, पहले इसमें फ्रॉड में, और 729% इन्होंने गेन किया था 3 साल में। दूसरे इसमें दूसरा जो शेयर है अडानी टोटल गैस में, इन्होंने 3 साल में जो गेन किया था 2121%। अडानी ग्रीन एनर्जी में गेन किया था 908%। अडानी पावर में गेन किया था 332%। अडानी पोर्ट्स में गेन किया था 98%। और अडानी विल्मर में गेन किया था 149%। सर इतने शेयर गेन कैसे होते हैं, इतने शेयर की कैसे होती है, और कहा जाता है कि 90% से ज्यादा शेयर खाली इनके ही लोगों के पास में। हाँ, वो देखिए, वो मुझे जो कहानी याद आ रही है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि अपनी ही शेल कंपनियों के जरिए खरीद लेना ज्यादा महंगा करके, फिर वापस डाल देना, फिर महंगा करके फिर दूसरी साइकिल में उसे बढ़ा देना, यानी आम लोगों की आंखों में धूल डाल करके अपनी कंपनियों की कीमत बढ़ाना, शेयर की कीमत बढ़ाना, ये पूरा फ्रॉड था, और वो सिर्फ ये कागजों में घूमता हुआ पैसा था। आप यही बता रहे हैं ना, कागजों में घूमता हुआ पैसा। देखो ये इसका क्या है, यहाँ का जो ब्लैक मनी होता है वो बाहर रिसीव करते हैं, और वो ब्लैक मनी किसी फ्रॉड कंपनियों के माध्यम से यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरा व्हाइट हो जाता है, और वो व्हाइट हो जाता है, पूरा पैसा व्हाइट हो जाता है, जैसा इनका व्हाइट हो गया। अब मुझे ये बताओ सर, ये कि ये नेक्सेस है, पूरा का पूरा नेक्सेस है, और ये नेक्सेस के माध्यम से गत कुछ वर्षों में पूरी की पूरी नेशनल प्रॉपर्टी जिस आदमी को दे दिया पूरी, वो नेशनल प्रॉपर्टी क्यों दिया बिना टेंडर, बिना कोटेशन,
ईडी सीबीआई के दूसरे लोगों से प्रॉपर्टी छीनना, मुंबई का एयरपोर्ट छीनते वक्त क्या किया, कितने उसके ऊपर नोटिसेस हुई, इनकम टैक्स की नोटिस, सीबीआई की नोटिस। अच्छा मैं उस पे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। मैं एक नतीजे के तौर पे समझना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर्स नकली तरीके से इन्फ्लेट किए गए, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाई गईं, इसके जरिए सीधी बात यह हुई कि आम लोगों में लालच पैदा किया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लें, और एक टाइम ऐसा आए कि सबका जो है वो डूब जाए कंपनियां, और आम लोगों का, पूरे हिंदुस्तान से लोगों का पैसा, आम लोगों का पैसा डुबो करके भाग जाए, यही तैयारी है। हाँ, पूरे आम आदमियों का पैसा, आपने देखा होगा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने टिप्स दिया था कि 4 दिन में शेयर इतने बढ़ेंगे, तो 1 दिन में 20 लाख करोड़ रुपए डूब गया था। जी 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 जी, ये लाखों करोड़। यानी मैं थोड़ा सा और सिंपल करके समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सरकार ने लोगों को बेरोजगार किया, रोजगार छीने, चीजें महंगी की, जो कुछ लोगों के पास अपना बैंकों में पैसा था वो ये जो नोटबंदी हुई उसमें भी बहुत कुछ खींच लिया, और शेयर्स में भी हेर फेर करके आर्टिफिशियल तरीके से महंगा दिखा करके लोगों में लालच पैदा करके उनसे वो पैसा भी निकलवा लिया जो कुछ उनके पास कहीं बैंकों में कहीं बचत थी, वो भी कोई उन्हीं के दोस्त लोग खींच करके ले गए। यानी लोगों को बिल्कुल, वो जो कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। 10 साल का यही नतीजा है ना, आप यही बता रहे हैं? यही नतीजा। 22 परिवारों के पास में 40% प्रॉपर्टी चली गई है, ऐसी प्रॉपर्टी चली गई है कि पासपोर्ट भी वही बनाएंगे, पोर्ट भी वही बनाएंगे, एयरपोर्ट भी वही बनाएंगे, हवाई जहाज भी वही बनाएंगे, देश से कभी भी भाग सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। और दुनिया का मॉडल सर ऐसा है, ये जो बोलते हैं ना वीजा मिलने की बहुत परेशानी हो रही है, दूसरे देश नेशनलिटी नहीं देते, आसानी से किसी को नहीं आने देते, ये जिनकी वर्थ 10 करोड़ से कम है उनके लिए है सर। जो आदमी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है उनको तो सारे देश वेलकम करते हैं, सारे देश। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब, और वो पैसा लूट लीजिए, अगर बीजेपी से आप मिल जाइए तो पैसा लूट लीजिए और विदेशों में जाकर के अपनी नागरिकता आराम से लीजिए, सेटल हो जाइए। यानी वो दरवाजे खुले हुए हैं, और एक बड़ी तादाद हमारे पास इस वक्त स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद में विदेशों में लोग जाकर के बस रहे हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इन 10 सालों में बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने देश की नागरिकता छोड़कर के दूसरे देशों में जाकर के सेटल हुए, उसमें बड़ी जी लाखों में है। हरेक देश के अलग अलग फिगर्स है, ये लाखों में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ज्यादातर 90% लुटेरे बसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही मैं समझना चाह रहा हूँ, वही लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये हुआ है। और अगर लोगों की वोट के हिसाब से सरकार बनती तो पिछले दिनों जो ADR रिपोर्ट आई है या दूसरी कुछ रिपोर्टें आई हैं, तकरीबन 70 से 80 सीटों पर घपला करके ये 240 पे पहुंचे हैं, ये यहां तक भी ना पहुंचते अगर वो घपला ना होता। यानी लोगों से पूरा धोखा करने के बाद भी फिर से ये हुकूमत में आए। अब ये बताइए आगे, जो मैं समझना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, देश कहां से कहां पहुंच गया। हम राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया, होशियार किया है लोगों को कि जांच क्यों नहीं कर रहे ये सेबी वाले मामले में। अब मैं दूसरे वाले मामले पर आना चाहता हूं। कुछ हाँ। जांच कौन करेगा? राहुल गांधी जी को जो बोलना है बोलने दो, जांच कौन करेगा? हाँ, जो कमेटी सेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर जी ने सेट किया था। जी जी जी, प्राइम मिनिस्टर जी ने कमेटी सेट किया और प्राइम मिनिस्टर का ही है, ऐसा केजरीवाल जी बोल रहे हैं, सारा पैसा प्राइम मिनिस्टर का है। बिल्कुल, कौन जांच करे जब सरकार में ही लोग, सरकार के ही लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल हों, तो जांच कौन करेगा? और जो सरकार और जो पार्टी हर भ्रष्ट आदमी को वेलकम करने के लिए तैयार रहती है और वो बिल्कुल कमल छाप साबुन से धुल जाता है, तो कौन जांच होगा? एक वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि जो दिल्ली सरकार से मंत्री था, उसको बाहर कर दिया, वो हरियाणा के सीएम ने उसकी एंट्री करवा ली। जी 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 जी, और उसमें बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको, बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमें
महाराष्ट्र बात करते हो ना नैतिकता की और शर्म की, ये की होती क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब ईमानदारी को बेईमानी कहना पड़ेगा और बेईमानी को ईमानदारी कहना पड़ेगा अगर इसी तरह से ये सब चलता है। हत्या को ये वध कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हम भटक ना जाएं, हम भटक ना जाएं, मैं उस पे जाना चाहता हूं। ये चीन ने 170 गांव बसा दिए, भारत में कितने गांव बसाए हैं, क्या कुछ क्या खबर है? देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी है, प्लैनेट लैब, 5 साल से चीन ने सीमांत प्रदेशों में सैकड़ों उपग्रह से जो तस्वीरें ली है, बताया है कि 170 गांव बस गए। ये मंगोलिया, मध्य एशिया के एलएसी से लेके दक्षिण वियतनाम तक सब जगह इन्होंने गांव बसाए हैं, इंटरनेट का जाल बिछा दिया है, रास्ते कर दिए हैं, और इन गांव की संख्या आने वाले 5 सालों में ये 500 से ऊपर पहुंचा देंगे। भारत के किनारे तो सारे वाइब्रेंट विलेज योजना उन्होंने लागू कर दी, वाइब्रेंट विलेज, और वाइब्रेंट विलेज में जो लोग आते हैं वो एक विशेषज्ञ है ब्रायन हार्ट, ये बोलता है कि नए गांव ही नहीं बसा रहे, उसके गांव को पुनर्जीवन भी कर रहे, और उनके एवरेज में 10,000 फीट से जो ज्यादा की ऊंचाई पर जो गांव है वहां के लोगों को चीन सरकार ₹21,000 महीना देती है कि आप हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जो कुछ हो रहा है इंडिया के तरफ, जैसा हो रहा है जो हो रहा है। और गांवों में बसने वाले जासूसी का भी काम करते हैं चीन के लिए। जी जी, और वो ₹21,000 महीना देते हैं उनको, और उसके परिवार को ₹2,50,000 देते हैं वहां बसने के लिए, और याक भी देते हैं क्योंकि इतने ऊंचाई पर खाने पीने की सुविधा हो इसलिए याक भी देते हैं। तो ये नियोजन पूर्वक काम कर रहे हैं, लाल आंखों वाले 56 इंच वाले चीन का नाम नहीं लेते, ना कोई आया ना कोई गया बोलते हैं, और बार बार वो जो सिखाते हैं घर वापसी और अखंड भारत और फलाना, ये चाइना जो कर रहा है उसका नाम क्यों नहीं लेते? उसका कारण है सर कि चाइना से आरएसएस के बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये बात आप बहुत पहले से कहते रहे हैं, मुझे मालूम है आपने पहले भी कहा था कि आरएसएस के लोग कुछ वहां सीखने के लिए भी जाते हैं चीन। क्या है, वन पार्टी वन नेशन वन कानून वन लॉ और वन लीडर वन टैक्स और अभी है वन पर्सन। हाँ हाँ, जैसा सी जिनपिंग वन पर्सन है वैसा ही वन पर्सन सीखने के लिए अब जाते हैं बार बार। जी 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 जी, इनके जो कारोबार है व्यवसायिक कारोबार जो है वो बहुत ज्यादा है, अडानी के अंबानी के इन लोगों के सबके व्यवसायिक कारोबार उनके साथ में इंटरेस्ट हो गए। अब चाइना का हमारा जो है, जैसे नहीं होता है सर, एक फैक्ट्री होती है आसपास झुग्गियों से काम करवा लेती है, मतलब एक फैक्ट्री में कुछ बनता है छोटी बड़ी चीज बनती है उसका ये छोटा छोटा वर्क झोपड़ियों में दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ बीड़ी के पत्ते बीड़ी बांधने का या वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती रगड़ने का काम, हवा बन हड्डी की गोली बनाने का काम, तो उसके लिए भारत का यूज चाइना कर रहा है, वहां से वो भेज देता है, ये असेंबल करके भेज देते हैं, आने वाले माल पे भी टैक्स नहीं, जाने वाले माल पे भी टैक्स नहीं, इसको हम बोलते हैं मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया। जी 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 जी, ये बिल्कुल 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 बड़ी अजीब अजीब जी। तो अभी अभी जो आपने बताया कि इतने गांव बसा दिए चीन ने जिनमें भारत में भी एक तादाद है, अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ गुजरात में मंदिरों की कहानी क्या है, गुजरात में अब मंदिरों पर निशाना लगा रही है बीजेपी सरकार, ये क्या है, ये कौन सा रंग है बीजेपी का? एक खबर छपी थी संदेश में उस वक्त मोदी जी जब थे कि इन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े। मैंने अभी एक रुचि शर्मा करके उसका एक वीडियो देखा था, उसने हिस्ट्री पे बहुत अच्छी जानकार है वो, तो उन्होंने बताया था कि पूरा मुगल सल्तनत ने 80 मंदिर तोड़े थे, और वो भी जहां से पॉलिटिक्स होता था या पॉलिटिकल धन होता था, दूसरे राजा का धन होता था, वो मंदिर तोड़े गए थे। औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़ा था, और 10 मंदिर पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो पैदा करते थे वो मंदिर तोड़ा था, और 25 मंदिर और मठों को उन्होंने औरंगजेब ने हजारों करोड़ रुपए दिया था, उस वक्त के करोड़ों रुपए दिया था, उनको जमीनें दिया था, कई एकड़ कई हेक्टर जमीनें उनको दिया था, 25 ऐसे मठ और मंदिर है, उनकी डिटेल्स उसने पूरी की पूरी उसकी इसमें डाली है। ये नहीं समझना चाहिए, ये राजनीति थी उस वक्त की, ये सारी राजनीति थी, और थोड़ा हार्डनेस लाना चाहा औरंगजेब ने, उसके बाद में कौन हुआ मुगल बादशाह, मुगल सल्तनत मिट गई, ये भी बात ध्यान में रखने की जरूरत है।
मोदी जी ने 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे, ये संदेश में छपा था और अशोक सिंघल का स्टेटमेंट था ये, उस वक्त के जो अध्यक्ष है। अभी वर्तमान जो सीएम है, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने 25,000 मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। भाई मैं ये नहीं कहता, मैं उस विचार का नहीं हूं कि रास्ते चौड़े करने तो मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, मस्जिद नहीं तोड़ना चाहिए, उस विचार का मैं आदमी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि विकास के लिए टूटे, विकास के लिए उसको शिफ्ट किया जाए, अलग जगह बसाया जाए, मगर तुम मंदिर के लिए जिंदे आदमी को मारते हो। एक मंदिर के लिए, एक मस्जिद के लिए आप जिंदे आदमी को कत्ल कर देते हो, और आप खुद क्या करते हो, तो 25,000 मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया, उसके विरोध में प्रवीण तोगड़िया जी आंदोलन कर रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी बीजेपी वाला ही आदमी बीजेपी के ही खिलाफ, हिंदुत्व वाला आदमी ही हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा है। ये बहुत ही कमाल की चीज है, मोदी जी के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये देखिए, ये है हकीकत, ये है हकीकत इन हिंदुत्ववादियों की, कि वो जब वोट लेने जाते हैं तो खास तौर पर मुसलमानों को परेशान करके और मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने का काम करते हैं, और जब वहां से हारने लगते हैं और हार जाते हैं तो अब ये रुख ऐसे बदलता है, यानी कोई किसी का जिसे कहते हैं ना सगा नहीं, वो उस तरह की हालत है। अब मैं कोई ऐसा सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको संगियों ने ठगा नहीं। जी, ये है पूरी बात जी, आपने मेरी बात पूरी कर दी। अच्छा, अंबानी ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है, वो क्या कहानी है, क्या कुछ है? वो तो बहुत अच्छी कहानी है। हाँ। हमारे देश में जो डेवलपमेंट विकास का जो मॉडल है वो समझ लो आप, रिलायंस की एक वार्षिक रिपोर्ट आई है 2023-2024 की, 2023 से लेके मार्च 2024 तक, उसमें ये पता चला कि इनके पास में 2023 में 379,414 लोग काम करते थे रिलायंस में, ये घट के अभी हो गए 347,362, मतलब 11% नौकरियां कम हो गई। ये सारे के सारे पैसे जैसा आपके टैरिफ बढ़ा के वसूल कर लिए, वैसे 42,052 लोगों को रास्ते पर लाने का काम अंबानी ने इसलिए किया कि 5,000 करोड़ रुपए शादी में खर्चा कर दिए। और ये सारे देशभक्त लोग हैं, और ये कह के उनका देखो कैसा भी है कि अभी वो बोल रहे, उनका स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हमने तो 1,71,000 लोगों को नौकरियों पर भर्ती रखा, तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है क्या? तुम्हारे 23 में और 24 में जो फिगर दिखाई दे रहे वो फिगर क्यों कम दिखाई दे रहे, 42,000 कम क्यों दिखाई दे रहे, और 1,71,000 आपने जो किया तो उसका क्या, ये क्या सच है उसमें, ये उनको पूछने की जरूरत है। वास्तविक देखा जाए तो इन्होंने 1,43,000 लोगों को निकाला, निकालने का उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया, वॉलेंटरी सेपरेशन। अभी तक मैंने सुना था कि फायर कर दिया, डिसमिस कर दिया, अभी ये सुना था ले ऑफ कर दिया। वो तो सॉफ्ट अल्फाज उन्होंने बना दिए, आपने सुना होगा ना कभी गोल्डन हैंडशेक, एक ही बार में हम आपसे जान छुड़ा रहे हैं, आपको कुछ पैसे दे के धक्का दे रहे हैं, और उसका नाम दिया गया था गोल्डन हैंडशेक, यानी सोने से हाथ आपको मिलाया जा रहा फिर में। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, इसमें और एक बात है अडानी। हाँ, इसमें और एक बात है। जी, बताइए। सवाल पूछना चाहिए ना, 42,000 लोग एक साल में छोड़ कैसे गए? क्या बहुत नरकीय जीवन जीने के लिए अंबानी बाध्य कर रहे थे? वर्कर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उनको रिलायंस की नौकरी नहीं चाहिए थी, क्या आपने फायर कर दिए? अच्छा, मैं, ये मैं, अगर दूसरे वॉलेंटरी सेपरेशन हो गया, मतलब उन्होंने जानबूझ के नौकरी छोड़ दिया, समझ बूझ के नौकरी छोड़ दिया, तो नौकरी छोड़ने के लिए आपके यहाँ की कंडीशन पूरी होगी। तो रिलायंस के अमानवीय व्यवहार करता है। मैं एक दूसरे पहलू से समझना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो ये आंकड़े आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी का जो है उनके पेट में बिल्कुल मुसलसल भरा जा रहा है कि जितना चाहो खाओ और पूरा देश लूट लो। अच्छा, चलिए, जब उनका कारोबार बढ़ता है, कारोबार फैलता है, तो उनके यहाँ काम करने वालों की तादाद घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? सर, आपको पता है
कि टोटल अंबानी ग्रुप में 27,000 लोग काम कर, अडानी ग्रुप में, अडानी ग्रुप तो नंबर एक नंबर दो देश के दुनिया के बन गए थे, 27,000 लोग काम करते। इनको देखो, वो जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बता दिया था कि रोजगार देना हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार हम पे ना डाले, हम इसमें नहीं पढ़ने वाले झमेले में। जबकि इन्होंने बोला था ना, सरकार ने फाइनेंशियल इसमें बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हम इंडस्ट्री में पैदा करेंगे, उनको वो मिलेगा 15,000-20,000 वॉन्टेड लेबर हम वहां पैदा करेंगे। उन्होंने बोल दिया हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे लेबर नहीं चाहिए, तुम्हारी पॉलिसी नहीं चाहिए, ये उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। 3 लोगों को रोजगार दिया है मगर अंबानी ने, एक है अनंत अंबानी 28 साल के, दूसरे आकाश अंबानी 32 साल के, और ईशा अंबानी पीरामल है 32 साल की। ये 3 लोगों को डायरेक्टर बना दिया है रिलायंस ग्रुप में। अब मुझे बताओ, ये सब ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सारे चैनल खरीद लिए, चैनल सवाल पूछते हैं कि वंश परंपरा से पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, अगर वंश परंपरा से चल रही है तो दूसरे जनरेशन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कौन आ सकता है वंश परंपरा से? फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म तुमने बना सकते हो, फिल्म चलाने का काम कौन कर सकता है? पब्लिक कर सकती है, मगर उद्योगों में तो ऐसा नहीं होता है। उद्योग में तो आपने जिसको बना दिया और डायरेक्टर पोजीशन पे डायरेक्ट आ गए। तो नेपोटिज्म की जो बात करते हैं, वंशपरा की बात करते हैं, वो जय शाह के बाप करता है वो देखिए, ये जो बड़े खानदान है, अडानी अंबानी अपने घर के लोगों को जब बोर्ड में लाते हैं या कोई नौकरी देते हैं, तो जाहिर है वो एक रास्ता खोलते हैं पैसा अपने ही घर में बाकी रखने का, और वो करोड़ों में तनख्वाहें होती हैं, वो हम आप जानते हैं। अच्छा, हमारे पास कर सकते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? वो नेपोटिज्म की बात, वंश परंपरा की बात कैसे कर सकते हैं? उनके टीवी के सारे एंकर ऐसे वंश परंपरा की बात कैसे चिल्लाते हैं? वो तो जब राहुल गांधी जी को टारगेट करना होता है, गांधी परिवार को, बस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या अखिलेश यादव को। अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में कोई टिप्पणी की है, वो क्या कुछ है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको ईडी कहते हैं, जिसको हमारे ये ऐसा इल्जाम है के मोदी जी जिसके पीछे भेजना चाहते हैं अमित शाह जी, वो ईडी जहां चाहती है वो छापे मारती है, और जिसको चाहती है जेल भेज देती है। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, ये बताइए। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के लिए काम करने जैसा लग रहा है। उन्होंने 10 सालों में ईडी ने 5,000 मामले दर्ज किए, मात्र 4 मामलों में सजा हुई है, और 40 मुकदमे सही पाए गए हैं। इसका मतलब है कि बाकी के सारे मुकदमे झूठे। इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता। यानी 4,956 केसेस जो हैं 5,000 में से झूठे हैं, 4,956, ये है देखिए ईडी की कारकर्दगी। हेमंत सोरेन के मामले में भी, ये अनिल देशमुख जी के मामले में भी, ये क्या बोलते हैं उसको, मनीष सिसोदिया के मामले में भी, ये संजय सिंह के भी मामले में, ये सारे ऐसे जो मामले इन्होंने फंसाए, ये सब मामलों में बोल चुका है कोर्ट। इनका कार्यकाल जो है या वर्किंग जो है वो ठीक नहीं है, और फिर ये अपोजिशन लीडर को फंसाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो इनका सुब्रमण्यम स्वामी, हमारे महाराष्ट्र का जो था वो एक तोताराम, जितने आरोप लगाता था सब बीजेपी में शामिल, जितनों के आरोप लगाता था सब बीजेपी में शामिल। अभी हो क्या रहा है? और उसको पूछा, बहुत बेशर्मी से हंस के बोल रहा था, मेला ताम तो मैंने तल दिया। बिल्कुल 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 जी जी जी, बहुत ही अजीब अजीब तरीके से सरकार कुछ अपने काम करती हुई, अपने खिलाफ लोगों को ईडी के जरिए डराती हुई, और जो इनके पास आ जाए उनको अपने यहाँ बाकायदा चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे बिठा देते हैं। ये दुनिया में बहुत अच्छी खबर आ रही है जो हमारे लिए बहुत बुरी है। हाँ। कि बेल्जियम और फ्रांस ने हजारों किलोमीटर कंक्रीट की पार्किंग, उन्होंने ग्रीन पार्किंग कर दिया है, और रास्ते उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया है, सड़कें उखाड़नी शुरू कर दी है, और कंक्रीट की जो पार्किंग होती है ना, पार्किंग स्पेस पर कवर्ड कर देते हैं,
वो सब उखाड़ रहे हैं और हम उसके ठीक विपरीत जा रहे हैं। मेरे नागपुर का टेम्परेचर 48 डिग्री जाता था, अब 52 डिग्री 56 डिग्री तक चले गया, क्योंकि नागपुर में सारा कंक्रीट बिछा दिया, पूरे देश में कंक्रीट बिछा दिया, पानी परकोलेट नहीं होगा, गर्मी इतनी बढ़ेगी। और जरा सीमेंट रोड पर गाड़ी चला के देख लीजिए, गाड़ी के टायर किस तरीके से करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं तो कोई बचता नहीं, और सारे रास्ते क्रैक हो रहे हैं, सारे रास्ते क्रैक हो रहे हैं। और नितिन गडकरी साहब तो कह रहे हैं, उनका उनके लिए तो कहा जाता है कि वो विकास पुरुष हैं देश का, उन्होंने बड़ा विकास किया है, कितने रास्ते बनाए। हर सीमेंट बैग पे जिस आदमी का कुछ होगा, हर सीमेंट बैग पर, ये इंडस्ट्री वाले बोलते हैं, इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि उसका शेयर देना पड़ता है, सीमेंट सीमेंट जितना ज्यादा बिकेगा उतना कमीशन चला जाएगा, ये आप बता रहे हैं। और उसके अलावा कितने तरीके हैं लूटने के, अगर आप गाड़ी लेकर के चलें 500 किलोमीटर भी चले जाएं तो उसमें शायद 500 रुपए से ज्यादा ही टोल चला जाएगा। और तो आधे रोड टूटे हुए, आधे रोड टूटे हुए उसमें भी टोल लिया जा रहा है। आप देखिए, गोवा से लेके कर्नाटक का जो इतना बड़ा ब्रिज था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, रोज आत्महत्या कर रहे ब्रिज रोज, इनके सैटेलाइट क्या देख रहे पता नहीं, कहते हैं गुजरात में बिना गड्ढे का रास्ता दिखा दो 1,00,000 रुपए इनाम पाओ, ऐसी मूवमेंट चल रही वहां, बिना गड्ढे का रास्ता दिखाओ गुजरात में 1,00,000 रुपए पाओ। और ये है गुजरात अपना बीजेपी का मॉडल, विकास का मॉडल गुजरात को कहा गया। अविनाश काकड़े जी, आपका कोई खास बात अगर आखिर में कहना चाहे, हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया। सर सारे पैसे लेके भागने वाले गुजरात के, IAS ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया वो गुजरात का, वहां के स्कूल टीचर जो है वो फ्रॉड सारे गुजरात के, वहां का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है 18%, बच्चों से स्कूल छोड़ने का जो रेट है 18%, सबसे ज्यादा नकली ऑफिसर और नकली कर्मचारी, ऑफिसर्स और कर्मचारी गुजरात में पाए गए, सबसे ज्यादा स्कूल के उद्घाटन जो फ्रॉड मॉडल बना के किया मोदी जी ने वो गुजरात में पाया गया। मैं गुजरात को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात में मेरे कई सारे दोस्त है, मगर गुजरात मॉडल फ्रॉड है। जी, गुजरात सरकार का मॉडल फ्रॉड है जिसको बीजेपी इतने अरसे से वहां पर हुकूमत कर रही है। इस बार तो राहुल गांधी जी ने संसद में साफ कह दिया मोदी जी से कि इस बार आपको हराने का हम काम करेंगे, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा कैसे होगा आने वाला वक्त बताएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, बहुत से आंकड़े अविनाश काकड़े जी ने आपके सामने रखे हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन है। हमें सबको चाहिए कि अपनी आंखें खोल करके जिए और देश में संविधान बचे, देश बचे, देश के नई नस्लों की तरक्की हो, उसके लिए जो भी काम करें उसके साथ हम लोग खड़े हों, तभी देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, हमें वक्त दे देते हैं आप, उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।